बात आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में मामूली सा सुधार हुआ है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज भी दिल्ली में वातावरण में स्मॉग की चादर दिखाई दे रही है। कुछ मीटर तक ही विजिबिलिटी बेहद कम दिखती है, कुछ दूर की ही चीजें देखने में लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में दिल्ली में साइकिलिंग करने वाले साइकिलिस्ट को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 321 दर्ज किया गया है, जो हवा की गुणवत्ता की बहुत खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले सोमवार को भी दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। वहीं ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से भी नीचे यानी कि खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। पराली जलाने की जो घटनाएं हैं और इसके धुएं की हिस्सेदारी में सोमवार को भी कमी मामूली देखने को मिली है। अगले 2 से 3 दिन अभी इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यहां प्रदूषण का यही हाल है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोग खासा तौर पर ये परेशानी झेल रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 354 रहा, रविवार को ये 339 था। जहां तक मैं जानती हूं कि कंस्ट्रक्शन पे भी गवर्नमेंट ने रोक लगाई है, बट जहां मैं रहती हूं वहां पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो एक तो वो कारण मेरे घर के पास है जो कि बहुत ज्यादा है, उसमें आप कणों को महसूस कर सकते हैं अपने चेहरे पे, और दूसरा ट्रैफिक है और पराली जलाना। तो मेरे ख्याल से जो पड़ोसी हमारे राज्यों में चल रहा है, चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, हमारे आसपास के राज्यों में जो पराली जलाई जा रही है, ये सबसे ज्यादा है, हवा के साथ आती है। और आप देखिए, दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा अगर इसी तरीके से चलता रहा तो। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सरकारों को सोचना ही पड़ेगा कि इंसान को अगर एक खुली सांस ना मिले तो जीवन तो बेकार है। मैं लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिस्ट हूँ और अभी हाल ही में 200 किलोमीटर हम साइकिलिंग गए, तो हमारा जो साइकिलिंग का मॉर्निंग का होता है, अगर आपको 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 8 या 10 घंटे के अंदर उसमें लगते हैं तकरीबन, तो ये मैंडेटरी है कि यू स्टार्ट एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 4:30। लेकिन जब हम निकले अपने प्लान के हिसाब से कि हम 4:30 स्टार्ट करेंगे, तो हमें 10 मीटर भी डिस्टेंस नहीं हमको मिल रहा था एक दूसरे को देखने के लिए। तो साइकिलिस्ट ही एक दूसरे के साथ टकराने के लिए बिल्कुल आतुर थे। और एक बड़ा कारण इसका पोल्यूशन है। हमारा मेजर पोल्यूशन मेजर करने का तो ये है कि हम अपने घर से इंडिया गेट की तरफ देखते हैं। एक टाइम था जब इंडिया गेट और जो साउथ और नॉर्थ ब्लॉक है वो दोनों हमको एक साथ दिख जाते थे सेंटर में खड़े होके, लेकिन अभी आपको बिल्कुल कम, मेरे ख्याल से 10 मीटर या 15 मीटर में आप जब तक नहीं जाते आपको नहीं पता लगता, जबकि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ब्रिटिश के टाइम का बना हुआ, और उसके बावजूद भी हम इसका वो एहसास नहीं कर पाते हम इसके बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। प्रदूषण की वजह से जहां सुबह के वक्त विजिबिलिटी बहुत कम है और इस वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, वहीं स्मॉग की वजह से सड़क हादसों में भी इजाफा हुआ है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो एक अलग परेशानी है। हरियाणा में भी लोगों के सामने पोल्यूशन परेशानी लेकर आया है। हरियाणा के अलग अलग जगहों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर फरीदाबाद, सोनीपत, कैथल और नरवाना की तस्वीरें देख रहे हैं। साथ ही फरीदाबाद में एक QI जो है वो 300 के पार बना हुआ है, जिसके चलते सुबह के वक्त स्मॉग की चादर यानी कि धुंधलापन जो वातावरण में है वो आपको दिखाई देगा। धूल की मोटी चादर जो आपके और हमारी सांसों में जहर घोल रही है, साथ ही हादसे भी किस तरीके से हो रहे हैं वो आप देखिए, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है इसी स्मॉग की चादर की वजह से। ऐसे में हादसे भी हो रहे हैं, गाड़ियों में टक्कर भी हो रही है और लोगों को अलग अलग तरीके से इस प्रदूषण का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ हरियाणा अकेला नहीं जूझ रहा, बल्कि दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में ये पोल्यूशन ऐसा ही सरदर्द साबित हो रहा है। उधर रेवाड़ी में भी प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है, यहां लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। देखिए संवाददाता की ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के बाद रेवाड़ी में भी लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक स्मोक की चादर देखी जा सकती है। सुबह के 11 बज चुके हैं, लेकिन 11 बजने के बावजूद भी जो वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है, वहीं बात करें तो एक स्मोक की चादर आप देख सकते हैं किस तरह से छाई हुई है। ऐसे में बात करें तो राहत मिलने की तमाम दावे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हालात है कहीं ना कहीं प्रदूषण स्तर कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। उसी का परिणाम है कि सांस के मरीज और खासकर जो आंख में कहीं ना कहीं जलन का अनुभव हो रहा है, जलन महसूस हो रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रदूषण किस स्तर पर दम घोटू होता जा रहा है। हालांकि कुछ हवा चलने के बाद
आंकड़ों में प्रदूषण का स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक स्मोक की चादर है वह छाई हुई है, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य है स्वास्थ्य पर बेहद विपरीत प्रभाव डाल रही है। ऐसे में जो सांस के बीमार है उनको सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लगातार दावे तमाम किए जाते हैं कि जो पानी का छिड़काव किया जाएगा या फिर कहीं ना कहीं जो मिट्टी जो सड़कों के किनारे मिट्टी पड़ी है शहर में या फिर आसपास उसको कम किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जाना था, लेकिन रेवाड़ी की बात करें तो वह भी नहीं हो पाया। बड़ा सवाल यह कि आखिर प्रदूषण का स्तर मापने का यंत्र भी रेवाड़ी में नहीं है। रेवाड़ी की बात करें धारुएड़ा में एक मशीन लगाई हुई है, वह भी धारुएड़ा में जो कि राजस्थान बॉर्डर पर है। ऐसे में रेवाड़ी जिले में किस तरह से प्रदूषण का स्तर मापा जाएगा यह भी बड़ा सवाल है। कोसली की बात करें या फिर बावल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। ऐसे में यहाँ पर आज तक प्रदूषण मापने के लिए मशीन तक नहीं लगाई गई। ऐसे में कितना संवेदनशील यहाँ का प्रशासन है वो भी समझने की जरूरत है। लेकिन हाँ यह जरूर है कि सुबह के 11 बजने के बाद भी एक स्मोक की चादर छाई हुई है और उसके चलते लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं स्वास्थ्य की बात करें फिर यातायात संचालन में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरह से कोहरा, जिस तरह से कोहरा पड़ता है फोग के हालात उसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ों पर कहीं ना कहीं जो धुंध है, कहीं धुंध के नाम पर ये जो एक धुएं की चादर है वो छाई हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से 11 बजे भी जो सड़क पर कहीं ना कहीं एक स्मोक की चादर बनी हुई है, जिससे हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कब लोगों को प्रदूषण के बढ़ते स्तर दम घोटू प्रदूषण से राहत मिलेगी। लेकिन यह जरूर है कि प्रशासन कहीं ना कहीं जो उपाय किए जाने थे एनजीटी के आदेश के बावजूद प्रशासन कहीं ना कहीं इसको जो उपाय किए जाने थे उसको करने में नाकाम साबित हुआ है। क्योंकि जल छिड़काव कहीं अभी तक नहीं होता दिखाई दिया, जो कि बेहद जरूरी था। क्योंकि ये वृक्ष, इनसे ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन तब निकलेगी तब ये अपना खाना बनाएंगे। ऐसे में जो इन पर मिट्टी जमी हुई है उसको कहीं ना कहीं उस पर जो पानी का छिड़काव होता वो नहीं हो पाया। ऐसे में लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कोई राहत मिल पाती है या नहीं। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।